हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब डिस्प्लेसर टाइप लेवल मेजरमेंट में जब दो फेस हमारे मेजर करने हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे जो दो फेस हैं, तो हायर जो डेंसिटी का फ्लूड होगा वो नीचे रहेगा और जो लोअर डेंसिटी का फ्लूड रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो मैंने जो हायर डेंसिटी की का हायर फ्लूड की जो डेंसिटी है वो मैंने ले ली 0.8 और लाइटर वाले की ले ली है 0.15। लेंथ जो फ्लूड की है वो 40 सेंटीमीटर है ही है और वेट जो है वो 3000 ग्राम है। डायमीटर 8 सेंटीमीटर है फ्लूड का, तो उससे हमने निकाल लिया इसका रेडियस जो आया वो 4 सेंटीमीटर आ गया। जो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच। अब सबसे मेन फॉर्मूला यही है कि टोटल हैंगिंग वेट कैसे निकालते हैं। तो टोटल हैंगिंग वेट निकालने का फॉर्मूला है जो फ्लोट का वेट है एयर में माइनस लॉस ऑफ वेट ड्यू टू हायर डेंसिटी फ्लूड माइनस लॉस ऑफ वेट ड्यू टू लाइटर डेंसिटी फ्लूड। अब जो वेट लॉस जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इंटू डी। तो अब हम जैसे 0% पे निकालना है, अब हम रेफरेंस जो लेके चलेंगे वो हायर डेंसिटी के फ्लूड के रेफरेंस में हम लेवल को मेजर करेंगे। तो मान लीजिए 0% है, तो 0% का मतलब हो गया जो हायर डेंसिटी वाला फ्लूड है वो 0% है और लाइटर डेंसिटी वाला फ्लूड जो है वो 100% है। तो क्या होगा, 0% पे हमारा जो टोटल फ्लूड है वो हमारा लाइटर डेंसिटी के फ्लूड में इमर्स रहेगा पूरा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो क्या होगा, वेट जो था हमारा फ्लोट का वो 3000 था, ये कर दिया माइनस जो लॉस ऑफ वेट ड्यू टू हायर डेंसिटी फ्लूड, इसका फॉर्मूला अब ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच इंटू डी। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस जो था वो हमारा 4 था। अब इसमें हाइट जो थी वो हो जाएगी 0 और डेंसिटी हमारी थी 0.8। ये तो हो गया लॉस ऑफ वेट ड्यू टू हायर डेंसिटी। अब माइनस करेंगे लॉस ऑफ वेट ड्यू टू लाइटर डेंसिटी, तो लाइटर डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला यही रहेगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4। अब जो फ्लोट की लेंथ थी हमारी 40 सेंटीमीटर वो टोटल आ जाएगी ये इंटू 0.15 जो हमारी डेंसिटी है D2। ठीक है, अब ये निकाला हमने, कैलकुलेशन कर ली, ये आ गई, इसके अकॉर्डिंग जो वेट आया वो ये आ गई हमारे 2698.56 ग्राम जो कि हमें 4 मिलियन पे ये एलआरवी होगी। अब बात करते हैं 25% पे। तो 25% पे क्या होगा, जो हमारा 25% फ्लोट है वो तो हायर डेंसिटी के फ्लोट में इमर्स रहेगा और बाकी का 75% जो रहेगा वो लाइटर डेंसिटी के में रहेगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दिया, तो अब यहाँ क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी क्योंकि 40 का 25% करोगे तो वो 10 सेंटीमीटर हो गया और 75% हमारा लाइटर में है तो वो ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल ली, कैलकुलेशन कर ली, तो ये आ गया हमारा 8 मिलियन पेट पे। ऐसे 50% पे क्या होगा, 50% पे हमारा 50% फ्लोर जो है वो हायर डेंसिटी में इमर्स रहेगा और 50% ही लाइट डेंसिटी फ्लोर में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला निकाल के निकाल लिया, फॉर्मूला वही यूज होगा एंड तक। ठीक है, ये आ गया, ये निकाल लिया, ये हो गया हमारा 12 मिलियन पेट पे, मतलब 50 पे। अब ऐसे ही 75 का निकालेंगे। अब 100% वाले का देख लेते हैं, 100% में क्या होगा, 100% में हमारा जो टोटल फ्लोट है 100% वो हायर डेंसिटी के फ्लूड में ही इमर्स रहेगा और लाइटर डेंसिटी में 0% आ जाएगा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये फ्लोट वेट इन एयर है 3.14 × 4 × 4, ये हमारी 40 आ गई हाइट यानी कि 40 सेंटीमीटर इंटू 0.8 और ये इसमें जो हाइट रहेगी वो 0 हो जाएगी। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया हमारा 1392.32 ग्राम, ये हमारी URV हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका LRV URV निकालते हैं जब हमें दो डेंसिटी के फ्लूड के लेवल मेजर करना हो। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।